कैसे हैं गाइज, वन टाइम ब्लॉग में आपका स्वागत है, स्वागत ही स्वागत है। आप लोग जैसे भी हो अभी अभी जस्ट कमेंट कीजिए आप लोग कैसे हैं। आप तो हम देखिए आज कुछ बताने जा रहे थे आपको, और फार्मिंग के बारे में बताएंगे कि पपीता को कैसे बचा सकता है, सुधार से कैसे लड़ा जा सकता है। और वो मतलब जल गया, गल गया पूरा। और देखिए दोस्तों, वो छोड़िए बहुत बाद में, ये देखिए ये हल्दी, इसका जो हम लोग हल्दी खाते हैं वो हल्दी है। ये इतना हम लगाएंगे देखिए, यहाँ पर आम है ढेर सारा लगा हुआ, आम देखिए नीचे भी कितना आम लगा हुआ। इसका हम लोग को ट्रांसप्लांटिंग करना जो भी हम नहीं किए हैं, ये देखिए गल गया है, सड़ गया है, मर गया है। इसका क्या हुआ दोस्तों, इसका जड़, यहाँ से जड़ ज्यादा वर्षा होने के कारण इसका जड़ गल गया। हम लोग बहुत मेहनत की, इस पर दवाई डाले है। देखिए मेरा पपीता भी इतना है और उसे बहुत बड़ा हुआ था। देखिए सब ऐसे ऐसे हो गया। एक पपीता आपको दिखाते हैं, देखिए छोटा पपीता एक बच गया है मरते मरते। हमारा नहीं इसके बारे में बताते हैं क्या, मेरे पापा इसको बंगाल से लाए थे, बंगाली साग कहा जाता है। इसको बनाने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है। इसको बनाते किस तरह वो वीडियो बनाएंगे आपको यूट्यूब पक्का और शॉर्ट्स में अपलोड कर देंगे। तो छोड़िए देखिए खत्म कहा कुछ है ये ना, लेकिन पूरे खत्म कहा नहीं, इसमें कुछ नहीं। पपीता है ये गल गया, पानी पड़ने के बाद गल लगाया, सीम लगाया। देखिए सीम खाने में तो टेस्टी है, यम्मी लगता है। आप लोग खाए होंगे नहीं, बाजार में ये मिलता है, मतलब कि सस्ते मिल जाता है। हम लोग देखिए कीड़ा क्या किया है, किरमू चकार बना दिया कीड़ा। देखिए क्या किया है, तो इसमें दवाई भी छीटेंगे हम लोग। दवाई तो कल ही छीटे थे, मर गया पूरा। सब मेरा पत्ता होता सब खत्म हो रहा है इसी से, इतना इन्वायरमेंट इतना बदबू देता है, इतना बदबू। देखिए दोस्तों, ये हम इसको इसी से बांध के ऊपर चढ़ा दिए पूरा। और आपको कुछ और बताना चाहते हैं, देखिए साग इतना लंबा साग देखिए आप लोग, इतना लंबा में कोई देख रहे हो। सबके बारे में तो आपको बता दिए कि जल्दी से आपको हम दो चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, पहला टमाटर, दूसरा भंटा। भंटा का पत्ता देखिएगा आप लोग, ये बहुत ही जो भंटा ही नाम है, इतना बड़ा बड़ा पर गोल गोल फरता है, बहुत खतरनाक भंटा। वो खाइएगा तो मज़ा लग जाएगा। देखिए इतना इसको बहुत कीड़ा खाया इसको, देखिए पत्ता क्या है, कीड़ा खा पूरा पत्ता बर्बाद कर दिया है। फिर भी हम इसको दवा दिए, मेहनत किए इस पर, हम भूले नहीं कि हमारा खेती हम इस पर करेंगे। फिर करते करते मेहनत का फल देख लीजिए। एक पिछले बार हम तो ब्लॉग डाले थे, उसमें मतलब कि एक कद्दू का फोटो दिखाए थे, वो भी मेरा मेहनत है। तो मल्टी फार्मिंग डाले थे, मतलब कि इसका जो लटकिंग होता है ना वो मिला उलग डाल दिए थे। तो इतना वो फायदा किया, इतना फायदा किया था, 10 कद्दू इसी लटका हुआ था। अगला हम पिछला ब्लॉग में तो वही वाला डाले थे। मतलब ये सब सीजनली लगते रहते हैं, दोस्तों आप हम इसको अंदर घुस गए थे, अभी आप लोग देखे नहीं होंगे, देखे ये भी नहीं। हम नुक्का चोरी करते थे, ठीक है मैं घूम जाते, कोई नहीं देख पाता इसके अंदर। देखे घुस तो देखे दोस्तों, जानवर उनवर ये खाता दोस्तों। हम बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं दोस्तों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए।